हे गाइस, आरआर एजुकेयर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच रेशियो से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँ एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x अनुपात y का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, और पूछा जा रहा है 3x + 2y / 9x + 5y। तो हम क्या जानते हैं कि x का वैल्यू x के अनुपात में जो होता है, यानी x को हम क्या लिख सकते हैं x / y, x अनुपात y का मतलब होता है बट्टा, और 2/3। तो x के सामने वाला वैल्यू x का हो जाएगा और y के सामने का वैल्यू y का हो जाएगा। और पूछा जा रहा है 3x + 2y / 9x + 5y की वैल्यू पूछी जा रही है। पूछा जा रहा है 3 और इंटू x की वैल्यू क्या है 2 से गुना करें प्लस 2 इंटू y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/9 गुना x का वैल्यू 2 प्लस 5 गुना y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 3 × 6 + 6/9 = 18 + 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा ये 33 हो जाएगा। और कटने वाला हो तो क्या करें, काट देंगे इसको, काटेंगे तो ये कितना 4 × 3 = 12 और 11 × 3 = 33, यानी 4/11 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी x 3x + 2y / 9x + 5y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x = 1/3y और y = 1/2z, और आपसे पूछा जा रहा है x/y/z की वैल्यू क्या होगी। x = 1/3y दिया हुआ है, ये y क्या है इसके गुना में, बराबर की साइड लाएंगे तो क्या होगा भाग में आ जाएगा, यानी x/y क्या हो जाएगा 1/3। सेम इसी तरह इसको भी लिखेंगे y = 1/2 इसके गुना में, तो इसके बट्टा में लाएंगे तो ये हो जाएगा y/z = 1/2। 1/2 अब क्या हो गया, x के सामने का वैल्यू x 1 और y के सामने का वैल्यू 3, यहाँ हो गया y के सामने का वैल्यू 1 और z के सामने का वैल्यू 2। अब क्या पूछा जा रहा है x अनुपात y अनुपात z। तो x का वैल्यू क्या दिया था 1/3 बट्टा, यानी अनुपात 1:3, और y अनुपात z का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1:2, तो यहाँ लिखेंगे 1:2, यहाँ पर लिखेंगे 1:2, और अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर भी जगह खाली है और यहाँ पर भी जगह खाली है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखेंगे इसके बगल में क्या है, इसके बगल में क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर इसके बगल में क्या है, इसके बगल में 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और अब सबको गुना करेंगे x को x से, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, 3 को 1 से करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 3, और 3 को 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा 6। तो x/y/z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1:3/6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a/b का वैल्यू दिया हुआ है 3:4, b/c का वैल्यू दिया हुआ है 5:6, और पूछा जा रहा है a/c की वैल्यू क्या होगी। तो a/c की वैल्यू निकालने से पहले हम क्या निकालना होगा, a/b/c की वैल्यू निकालनी होगी। तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू है 3 और b का 4, फिर b का दिया हुआ है, b को यहाँ पर लिखेंगे 6:5, और सी स्थान खाली है और यहाँ पर ए का स्थान खाली है। यहाँ पर क्या बनेंगे अभी तुरंत बताएं, यह देखेंगे कि सी के बगल में क्या है, इसके बगल में क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और यहाँ खाली है तो इसको क्या देखेंगे, इसके बगल में देखेंगे, ऊपर वाले में नहीं, ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब सबको गुना कर देंगे, 6 को करेंगे तो यह हो जाएगा 18, 6 को 4 से करेंगे तो यह हो जाएगा 24, 6 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20। कटने वाला होगा तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे, काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 9 × 18 = 12 × 24 और 10 × 20। रेशियो क्या होता है,
रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो अब इसका ए का वैल्यू 9 हो गया, बी का वैल्यू 12 और सी का क्या हो गया 10। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए अनुपात ए प्लस सी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया 9 और ए प्लस सी यानी 9 और प्लस सी का वैल्यू 10, 9 अनुपात 10 और 9 19। तो ए अनुपात ए प्लस सी की वैल्यू क्या हो गया 9 अनुपात 19। 9 अनुपात 19 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बट्टा बी का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ बी बाई सी का वैल्यू दिया हुआ है 4/5। अब पूछा जा रहा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी का वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। ए के सामने का वैल्यू ए का होता है ए लिखेंगे, ए का वैल्यू 2, बी के सामने का बी का होता है 3। अब यहाँ बी का वैल्यू क्या दिया 4, तो ठीक उसके नीचे लिखेंगे 4। और सी का वैल्यू क्या होगा 5, सी का वैल्यू 5, तो उसके नीचे लिखेंगे 5। अभी तुरंत बताएं यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पे तो क्या भरेंगे, इसके ठीक बगल में, बगल में क्या है 3, तो 3 भरेंगे। और यहाँ पर खाली है तो इसके बगल में क्या है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब सबको गुना करेंगे, ए को ए से, बी को बी से और सी को सी से। 4 × 2 = 8 अनुपात 4 × 3 = 12 अनुपात 5 × 3 = 15 क्या हो जाएगा 15। अब ए बी सी का अनुपात आ गया 8 / 12 / 15 और पूछा जा रहा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, ए प्लस बी यानी ए का वैल्यू 8 और प्लस बी का वैल्यू 12, 8 12 अनुपात, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12 और सी का अनुपात दिया हुआ है सी का वैल्यू 15। 12 और 8 हो जाएगा ये 20 और 12 15 हो जाएगा ये कितना 27, यानी ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 अनुपात 27 हो जाएगा। 12 15 27 होगा ना, 27 20 अनुपात 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर दिया हुआ है 6 / 7/8 यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 6, बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 और सी प्लस ए की वैल्यू दिया हुआ है 8 और ए बी सी का मान क्या दिया 14 दिया हुआ और पूछा जा रहा है सी का मान क्या होगा। अगर हम यहाँ सभी में एक्स मान लें 6x, 7x और 8x और इस सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 ए आएगा 2 बी आएगा और 2 सी आएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21x। तो हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 21/2x हो जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 14 बराबर हो जाएगा ये 21/2x। अगर x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 7 × 21 = 7 × 2 = 14 तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 × 4/3 हो जाएगा, x की वैल्यू 4/3। और हमसे क्या पूछा जा रहा है सी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी का वैल्यू घटा देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू घटा देंगे सॉरी ए प्लस बी का वैल्यू घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सी का वैल्यू आ जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना था 21/2x और माइनस कर देंगे 6x है तो ये हो जाएगा 6 × 12 में से 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x/2 और 9/2 x की वैल्यू कितना है 4/3 दिया हुआ है। 3 से इसको करेंगे तो 3 × 9 और 2 × 4 यानी c का वैल्यू कितना है 3 × 6 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना है 6 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। क्या करें, a प्लस बी को हम मान लिया 6x, 6 दिया हो तो x
बी प्लस सी 7x, सी प्लस ए 8x, दो कॉमन आ जाएगा, दो आएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21x। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 21x हो जाएगा 21x। और यहाँ से हम क्या किए, x का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। और c का निकालने के लिए अब a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या था, 21/2x, उसमें से हम क्या किए 6x को घटा दिए तो आया कितना 9x/2, और x की वैल्यू दिया होता 3/4, काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर है 1:2, बी अनुपात सी बराबर है 3:4, सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 6:9, और डी अनुपात ई बराबर दिया हुआ 12:16। तो हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी अनुपात, ई की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन दिया हुआ है 1:3:, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।